ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई, कि किस ढंग से एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया। 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली या जुमला बोली, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1,00,000 करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। Yes. मुझे समझ में नहीं आता इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोल रहा? क्या आप उनसे फिर क्यों ये सारी चीजें मैं आपके सामने रखा कि किस ढंग से एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए पब्लिक सेक्टर्स बैंक से लिया और 2 ही साल में 12,00,000 की संपत्ति के पर कब्जा करके आज बैठा है। सर कब्जा तो इसलिए हम चाहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाओ। 13 पैसे का भी आएगा, 31 पैसे का भी आएगा, 12,00,000 का भी आएगा, हिडन पर जो आपका रिपोर्ट है वो भी आएगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाइए, हम पूरा उसके सामने हम भी आएंगे वो भी आएंगे, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और अगर उसमें से ये लोग जो घोटाले करने वाले हैं पवित्र हरिश्चंद्र के जैसा निकले तब जाके आप और हम उनको हार डालेंगे, गले में माला डालेंगे। एक व्यक्ति जिसकी संपत्ति 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गई, बढ़ी है, और 14 में 50,000 करोड़ की थी, 2019 में 1,00,000 करोड़ रुपए की संपत्ति उसकी हो गई। अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12,00,000 करोड़ हो गए? ये कहा और दूसरा, अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो है इंटरनेशनल, अब वो उसको मानते नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल जाना नहीं चाहता और फिर ऐसा गड़बड़ी क्रिएट करके मेरा टाइम तो चले गया, लेकिन मैं और आगे इसको बढ़ाना नहीं चाहता।